हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। आई होप आपको ये न्यूज़ जरूर मिल गई होगी कि ईडी ने वजीर एक्स एक्सचेंज और उसके डायरेक्टर निश्चय शेट्टी और समीर माकरे को कारण बताओ नोटिस भेजा है और यह नोटिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भेजा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज का हमारा वीडियो कि ये नोटिस ईडी ने क्यों भेजा है। ईडी ने ये नोटिस भेजा है दोस्तों 2700 करोड़ के लेन देन के ट्रांजेक्शन के लिए, और ईडी का कहना है कि वजीरएक्स ने फेमैक की गाइडलाइंस को वॉयलेट किया इस ट्रांजेक्शन को लेकर। इसके साथ साथ ईडी ने ये भी स्टेटमेंट में अपनी कहा है कि जो चाइनीज बैटिंग एप्लीकेशन है वो वजीरएक्स का इलीगली यूज कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और ईडी के द्वारा ये भी क्लेम किया गया है कि चाइनीज लोगों ने 57 करोड़ की इंडियन रुपी को कन्वर्ट किया है टेदर क्रिप्टो करेंसी में और बाइनेंस वॉलेट पर ट्रांसफर किया है, और ये सब इंस्ट्रक्शन उनको फौरन से मिले थे। इसके अलावा ईडी का ये भी कहना है कि वजीरएक्स ने अपने बाइनेंस अकाउंट से अपने वजीरएक्स पूल अकाउंट में 850 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया है। वहीं उन्होंने 1400 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस अकाउंट पर भेजी है। ईडी के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि दोस्तों वजीरएक्स ने इस लेन देन के लिए कोई भी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिए है और ये FEMA के मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। अधिकारियों का यह भी कहना है दोस्तों कि वजीरएक्स का एक भी लेन देन ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है जहां इनका ऑडिट किया जा सके। भी कहा है कि वजीरएक्स पर आप क्रिप्टो करेंसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेज सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, इसलिए आपकी नेशनैलिटी और लोकेशन मायने नहीं रखती है। इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब जानते हैं कि वजीरएक्स के डायरेक्टर निश्चल शेट्टी ने अपनी सफाई में क्या कहा है ईडी के नोटिस को लेकर। ईडी के नोटिस को लेकर वजीरएक्स के CEO निश्चल शेट्टी की ओर से सफाई दी गई है, और उनका कहना है कि वजीरएक्स के प्लेटफॉर्म पर सारे यूजर्स का आधिकारिक पहचान पत्र के माध्यम से पहचान की जा सकती है। एक बार हमें ईडी की आधिकारिक सूचना का नोटिस मिल जाए तो हम जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। तो ये था दोस्तों ईडी के नोटिस का पूरा मामला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।